हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड डिज अकेडमी। हम लोग आज के इस क्लास में, जो कि मेरा क्लास नंबर 19 होगा, इसमें हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली जिस तरह से मिसलिनियस एग्जांपल्स थे, ठीक है, उसी तरह से मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी मेरा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि एक सेट दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, वो सेट है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दूँ कि वो सेट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसी का सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर x का जो मेरा वैल्यू आएगा वही मेरा सेट A बनेगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर होगा और माइनस इसको अगर तोड़ेंगे तो 4x एक मिनट इसको यहाँ पर ये होगा 6x हो गया और यहाँ पर इसको अगर करेंगे x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 6 बचेगा और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा। यानी कि एक फैक्टर x माइनस 6 होगा, एक फैक्टर x माइनस 2 होगा, यानी कि x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा और एक x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। यानी कि x इक्वल टू 6 निकल गया, एक तरफ x इक्वल टू 2 निकल गया। तो यानी कि सेट A जो है मेरा दिया गया वो मेरा निकल गया, एक 6 निकल गया और एक मेरा 2 निकल गया। वहीं पर सेट बी, सेट बी मेरा दिया गया है 2 4 6, 2 4 और 6, और सेट सी जो है वो मेरा दिया गया है 2 4 6 8, इसी तरह से 2 4 6 8, इसी तरह से सेट डी जो है वो दिया गया है मेरा केवल 6। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है, कौन सा सेट किसका सबसेट है। ठीक है, तो यानी कि जिसका एलिमेंट, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट, जिसमें जो बिलोंग्स कर रहा है वो उसका सबसेट होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 6 और 2 है और 6 और 2 यहाँ है, यानी कि A जो है वो सबसेट हो जाएगा मेरा C का। इसके बाद यहाँ मेरा 2 है और 6 यहाँ भी है, यानी कि A मेरा B का भी सबसेट हो जाएगा। इसके बाद A डी का तो नहीं होगा क्योंकि केवल 6 है, यहाँ पर 2 नहीं है। 6 मेरा ए का सबसेट हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल 6 है और ये 6 एलिमेंट मेरा यहाँ है, तो डी जो है वो मेरा सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। इसके बाद और किसका कौन सब्जेक्ट सबसेट हो रहा है, बी हो रहा है सी का। बी का सारा एलिमेंट जो है वो सी में है, 2 4 6 2 4 6, है ना। और डी जो है वो सी का सबसेट हो रहा है क्योंकि डी में 6 है, यहाँ भी 6 है। हाँ, और कोई किसी का है क्या, डी में 6 है, 6 यहाँ भी है, यानी कि डी जो है वो सबसेट मेरा बी का भी हो जाएगा। डी जो है वो सबसेट मेरा बी का भी हो जाएगा। इसके बाद हाँ इतना तो मुझे मिल रहा है, हाँ इतना ये सबसेट हो रहा है। ठीक है, चलिए चलिए इसको नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे 2 का फर्स्ट नंबर। देखिए इसमें क्या है ना कि कुछ कंडीशंस दिए गए हैं सबसे पहले, और फिर पूछा है कि इस कंडीशन पर ये चीज़ सही है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले दिया गया है कि x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट A के अंदर में, और सेट A बिलोंग्स कर रहा है सेट B के अंदर में। तब आपको प्रूफ करना है कि एक्स जो है वो सेट बी में भी है। हाँ, तब आपको प्रूफ करना है कि एक्स जो है वो सेट बी में भी है। तो एक्स ए में भी है और ए बी में भी है, ये आपको जो है ना दे दिया गया है। इसके बाद आपको प्रूफ करना है कि एक्स जो है वो बी में भी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि ये और ये चीज़ हम सेटिस्फाई करा दें। इसके बाद बचा ये वाला चीज़,
ये वाली चीज़ को जो है हम नकारने का कोशिश करेंगे, यानी कि हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जहाँ कि एक्स बिलोंग्स नहीं करता होगा, ठीक है। और देखिए, होने का कई कारण है, अगर ये सही है तो फिर होने का कई कारण है, लेकिन नहीं होने का केवल एक कारण काफ़ी है, ठीक है। होने का तो कई सारा कारण है कि ये है, वो है, ये है, इसलिए ऐसा होगा, लेकिन नहीं होने का केवल एक ही कारण काफ़ी है कि ऐसा है इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कि शादी लगता है ना रिश्तेदार में, तो वहाँ पर देखा जाता है कि नहीं लड़की में ये गुण है, ये गुण है, तो चलो शादी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ अगर ये पता लग जाता है कि लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो फिर वो शादी नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरह से नहीं होने का एक ही कारण काफ़ी है, और होने का तो बहुत सारा रीज़न है, ठीक है। तो हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा, लेकिन ये कंडीशन हम कोशिश करेंगे कि सेटिस्फाई ना हो। और अगर हम ऐसा करने में अगर सक्षम हो गए, तो यानी कि तब ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये मेरा फॉल्स है। चलिए, हर एक क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको यही करना ही है। देखिए, एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रहा है ए में, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि सेट ए है और उसमें एलिमेंट है मेरा 1 और 2, एलिमेंट है उसमें मेरा 1 और 2, और कोई सेट बी है, ठीक है। एक्स ए में तो है, मान लीजिए कि सपोज दैट कि 1 ही है, तो 1 तो मेरा सेट ए में है, और पूरा का पूरा सेट बी मेरा सेट बी में है। तो पूरा का पूरा सेट बी पहले मेरा सेट बी में है, तो 1, 2, ये पूरा सेट ए में रखा है सेट बी में, और भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट मान लिए, जैसे 3 मान लिए, 4 मान लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया मेरा। तो देखिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, और पूरा का पूरा सेट ए भी बी में है, ये भी मैंने ले लिया है इस तरह से। अब हमको ये दिखाना है यहाँ पर कि क्या एक्स बी में है। तो देखिए, पूरा का पूरा सेट ए तो है, ये दोनों कंडीशन तो मेरा सेटिस्फाई कर गया, यानी कि जो दिया है उस पर तो मैंने एग्जांपल ठीक ठीक लिया है, लेकिन कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स करेगा बी में। अब देखिए, एक्स ए में है, मान लीजिए 1 ही है, तो 1 मेरा ए में है, ये फिर 2 ही है, तो 2 मेरा ए में है, तो सेट बी में भी मेरा 1 होना चाहिए। तो सेट बी में मेरा 1 नहीं है, बिकॉज ये पूरा अब सेट बी का 1 और 2 दोनों एक साथ एलिमेंट होगा, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ सेट बी का एलिमेंट होगा, 3 अकेला एलिमेंट होगा, 4 इसका अकेला एलिमेंट होगा, लेकिन 1 और 2 जो है ये दोनों साथ में बी का एलिमेंट होगा। यानी कि अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि 1 बिलोंग्स कर रहा है सेट बी, तो ये गलत होगा, ठीक है। हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि 1 और 2 ये बिलोंग्स कर रहा है सेट बी में, ये एलिमेंट है सेट बी का। बेसिकली ये सब जो है चीज़ हमने देखा था पावर सेट में, पावर सेट में जो है इस तरह का दिखाया गया था कि कोई भी सेट है और उस सेट में कुछ एलिमेंट हैं, तो फिर उसका जो है सबसेट हम लोग तैयार करते थे। तो उसका होता था 5, फिर एक 1, फिर एक 2, ठीक है, और फिर एक 1, 2। तो इसका पावर ऑफ सेट लिखते थे, तो इसको पूरे को इस तरह से बंद करते थे, और हम लिखते थे यहाँ पर कि 1 जो है ये मेरा बिलोंग्स करता है पावर ऑफ सेट में, यानी कि ये इसका एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 जो है ना, ये एज अ पावर सेट है, तो फिर ये अपने पावर सेट नहीं, कहने का मतलब है कि ये इसका एलिमेंट है, ठीक है। केवल 1 इसका एलिमेंट नहीं है, केवल 1 इसका ना तो एलिमेंट है, ना ही केवल 2 इसका एलिमेंट है, इसका 1 और 2 दोनों एक साथ एलिमेंट है। तो 1 इसका एलिमेंट है नहीं, 2 कर रहा है बिलोंग्स, तो क्या 2 इसका एलिमेंट है नहीं। तो होने के लिए तो मैंने बोला कि केवल एक ही कारण काफ़ी है, तो 1 इसका एलिमेंट था लेकिन बी का वो एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये गिवन स्टेटमेंट जो मेरा दिया गया है ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। और जस्टिफाई करने का है कुछ एग्जांपल से, तो ये जस्टिफिकेशन भी हो गया, ठीक है। चलिए, चलिए सेकेंड नंबर इसका देखें। कहता है कि ए सबसेट है बी का, ठीक है, ए सबसेट है बी का, और बी का सारा एलिमेंट सी में है, यानी कि पूरा का पूरा सेट भी सी में है, तब ए भी सी में होगा, ए भी सी में होगा, हाँ,
ए सी में, हाँ ठीक है, ये दिया गया है। तो उसी प्रकार इसमें गिवन मेरा क्या है, ये दो स्टेटमेंट, और हमको प्रूफ ये करना है। ठीक है, तो हम लोग इसके आधार पर एग्जांपल लेते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि वो चीज़ प्रूफ ना हो। ठीक है, वो चीज़ अगर एक कंडीशन अगर हमको मिल गया, एक रीजन, तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं होगा। चलिए, ए जो है वो सबसेट है बी का, ए कोई सेट है और वो सबसेट है बी का, तो यानी कि बी में इसका सारे एलिमेंट हमको लेना है। ठीक है, ले लिए, बी का सारा एलिमेंट मेरा ए में चला गया। अब पूरा का पूरा सेट बी सी में है, तो जो मेरा सेट सी बनेगा उसमें पूरा का पूरा मेरा सेट बी रहेगा। जैसे कि इस तरह से मान लीजिए 7 है, 8 है और 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा सेट भी मेरा सी में चला गया, ये पूरा मेरा सी में चला गया। तब कहता है कि ए भी बिलोंग्स करेगा सी में, यानी कि जो ये 1 और 2 है ये यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 ये पूरा एलिमेंट है सेट सी का, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है मेरा सेट सी का, ना कि केवल 1 और 2 एलिमेंट होगा सेट सी का। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि केवल 1 और 2 एलिमेंट होगा सेट सी का। तो यानी कि ये भी कंडीशन मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, या फिर इनकरेक्ट कह सकते हैं, ये रहा जस्टिफिकेशन। चलिए चलिए इसको नोट कर लिए। थर्ड कहता है कि अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तब आप प्रूफ करिए कि ए सबसेट होगा सी का, ए सबसेट होगा सी का। हाँ ठीक है, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो आपको प्रूफ करना है कि ए भी सबसेट होगा सी का। अब कोई एग्जांपल उठाते हैं, सपोज ए है कोई एलिमेंट है उसमें और वो सेट बी का सबसेट है। चलिए सबसेट भी मैंने बना दिया कि ये यहाँ पर 1, 2 है, तो यहाँ भी कर रहा है, यानी कि ये इसका सबसेट बन गया। अब बी भी सबसेट है सी का, यानी कि सी जो है वो ऐसा सेट है जहाँ पर 1, 2, 3 तो है ही और एक आध एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हम दे सकते हैं, तो ये इसका सबसेट बन गया। तब क्या ए सबसेट है सी का, ये कहना है इसका कि क्या ए सबसेट है, तो ए में मेरा 1 और 2 है, तो यहाँ तो मेरा है, यानी कि हाँ ये तो सही है, यानी कि ये मेरा हो गया ट्रू, ये जस्टिफिकेशन। चलिए चलिए इसमें कहा है 4th नंबर कि अगर ए सबसेट नहीं है बी का, ए सबसेट नहीं है बी का और बी सबसेट नहीं है सी का, तो ए भी सबसेट नहीं होगा सी का, ए भी सबसेट नहीं होगा सी का, ये आपको प्रूफ करके देना है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सेट ए में क्या है, 1 और 2 एलिमेंट हैं, तो हमको इस तरह से सेट बी लेना है जो कि ए बी का सबसेट ना हो। जैसे इसमें हम ले लिए 2, 3 ले लिए, तो ये इसका सबसेट अब नहीं है क्योंकि इसमें 1 और 2 है, इसमें केवल 2 है, इसमें 1 भी होता तब तो ये इसका सबसेट होता, तो ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया। अब इस कंडीशन को देखते हुए हमको सेट सी लेना है, सेट सी ऐसा लेना है जो कि वो सेट बी का सबसेट ना हो, सॉरी बी सेट सी का सबसेट ना हो। ठीक है, तो यानी कि बी का सारा एलिमेंट इसमें हमको नहीं दिखना चाहिए, ऐसा लेना है। चलिए हम ये ले लिए, यहाँ पर देखिए 2 और 3 है, यहाँ केवल 2 है, 3 तो यहाँ पर है नहीं, यानी कि बी इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ए भी सबसेट नहीं होगा सेट सी का, तो ए में तो मेरा 1 और 2 है और यहाँ भी मेरा 1 और 2 है, यानी कि ए तो सबसेट है सी का,
ए तो मेरा सबसेट है सी का, यानी कि ये मेरा फॉल्स हो गया, ये जस्टिफिकेशन। चलिए ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट। चलिए 2 का 5, इसमें कहा है कि अगर x a में है, अगर x बिलोंग्स करता है a में और a सबसेट नहीं है b का, a सबसेट नहीं है b का, तो x b में है, देन x b सेट में है, ऐसा इसका कहना है। चलिए देख लेते हैं, x अगर a में है, सपोज करिए सेट ए है मेरा, उसमें मेरा 1 और 2 दो एलिमेंट है, और सेट ए को सबसेट नहीं लेना है सेट बी का, तो चलिए नहीं लेते हैं, अब ये नहीं है, बिकॉज यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 3 4 है, इसमें 2 तो आया नहीं, 1 तो आ गया लेकिन 2 तो नहीं है। सबसेट का मतलब क्या है कि इसका सारे का सारे एलिमेंट मेरा इसमें आएगा, तो ये तो आया नहीं, तो ये तो मेरा सबसेट नहीं होगा। अब कहता है कि x जो है वो b में है, सपोज कि 2 को ही जो है ना आप यहाँ पर x मान लीजिए, अब x तो मेरा a में है, ठीक है, तो क्या ये 2 b में है? नहीं है, लेकिन वो कह रहा कि रहेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, यानी कि फॉल्स, ये इसका जस्टिफिकेशन। चलिए इसको नोट कर लिए। देखिए नेक्स्ट 2 का 6 कह रहा है कि अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का और एक्स बिलोंग्स नहीं करता है सेट बी में, एक्स बिलोंग्स नहीं कर रहा है सेट बी में, तब आपको सो दैट करके देना है कि एक्स ए में होगा। हाँ, एक्स नहीं, एक्स ए में नहीं होगा, एक्स ए में नहीं होगा, ठीक है, तो ये मेरा गिवन कंडीशन है और वो मेरा प्रूफ करना है उसको। तो देखिए सपोज कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो इसमें हम लोग कुछ एलिमेंट मान लेते हैं, सपोज कि 1 2 हम लोग एलिमेंट मान लिए, तो ए सबसेट है बी का, यानी कि जो हम सेट बी लेंगे उसमें मेरा ए का सारा एलिमेंट आएगा, यानी कि जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह से। लेकिन एक्स अगर बी में नहीं है, तो अगर x कोई एलिमेंट है और वो अगर सेट B में नहीं है, तो सपोज कर लीजिए कि 7, ये 7 कोई एलिमेंट है और वो सेट B में नहीं है, 7 तो इसमें नहीं है, ये सेट B में नहीं है, तो अगर वो सेट B में नहीं है तो कह रहा है कि वो सेट A में भी नहीं होगा, सही है, ये 7 सेट A में भी तो नहीं है, यानी कि ये जो मेरा स्टेटमेंट दिया गया है ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है, ये इसका जस्टिफिकेशन। चलिए ये हो गया, देखिए 3 नंबर 3 नंबर क्या कह रहा है कि इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि ए बी सी 3 सेट है और ए यूनियन बी वो इक्वल टू है ए यूनियन सी का, ए यूनियन बी ये इक्वल टू है ए यूनियन सी का, ठीक है, तो और दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी भी, ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल टू है बी इंटरसेक्शन नहीं ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो आपको प्रूफ करना है कि बी इक्वल टू सी होगा, बी इक्वल टू सी होगा, कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए हम ये लिख सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू, b इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a यूनियन b, a यूनियन b का जो सेट होगा और b का जो सेट होगा दोनों में कॉमन क्या होगा, b ही तो होगा, तो इसको हम इस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। इसके बाद इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है, b इंटरसेक्शन a, फिर यूनियन है, फिर बी इंटरसेक्शन बी, नहीं सॉरी
इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करिए। बी इंटरसेक्शन, अब ए यूनियन बी के जगह में हम ए यूनियन सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी ये इक्वल टू है ए यूनियन सी का, ठीक है, तो इसलिए ये इक्वल टू होगा। अब ए यूनियन सी आ गया, अब यहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए आएगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आएगा। अब बी इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन सी हुआ, अब बी इंटरसेक्शन ए के जगह में हम ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, हाँ ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन सी का, इसलिए। अब यहाँ से देखिए, ए यूनियन बी बच जाएगा इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी अगर हम यहाँ से अगर एज अ कॉमन के तरीके सब समझ सकते हैं कि इंटरसेक्शन सी अगर यहाँ से हम कॉमन कर लें तो यहाँ केवल ए बच गया, यूनियन था यूनियन बच गया और बी था बी बच गया। अब इस दोनों में अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं, एक ये सेट हुआ एक ये सेट हुआ, एक ए यूनियन बी सेट हुआ एक सी सेट हुआ, इस दोनों में अगर मैं कॉमन अगर निकालूं तो जरूर है कि ये तो होगा मेरा बड़ा वाला सेट और ये होगा केवल ए वाला सेट थोड़ा सा, तो इसमें क्या आएगा, इक्वल टू मेरा सी ही तो आएगा, यानी कि बी इक्वल टू सी। प्रूफ, आप लोग यहाँ पर जो है ए यूनियन बी बेसिकली इक्वल है ए यूनियन सी का, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, अगर ये डायरेक्ट अगर ना करें तो यहाँ पर एक स्टेप आप लोग और बढ़ा सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है वो बराबर है ना ए यूनियन सी का, तो ए यूनियन सी लिख दीजिए और इंटरसेक्शन सी डाल दीजिए, तब तो हो जाएगा ना कि सी जो है सी और ए का सेट जरूर है कि सी से ही बड़ा होगा, सी और ए का यूनियन सी से तो बड़ा ही होगा कम से कम, और इंटरसेक्शन सी तो ये तो अब इक्वल टू फिर सी ही आना है, तो फिर बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर इसलिए ऐसे किए क्योंकि ए यूनियन सी ये इक्वल टू है ए यूनियन बी का। चलिए चलिए इसको नोट कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो है ना आपका चार कंडीशन दिए गए हैं, ठीक है, चार कंडीशन, और आपको ये कह बताना है कि वो चारों कंडीशन जो है आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। यानी कि पहला कंडीशन जो है वो दिया गया कि ए सबसेट है बी का, दूसरा कंडीशन ये दिया गया कि ए माइनस बी इज इक्वल्स टू फाइव है, ए माइनस बी इक्वल टू फाइव है, तीसरा कंडीशन ये दिया गया कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी है, और चौथा कंडीशन ये दिया गया कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन भी जो है वो इक्वल टू ए है। हाँ चलिए, तो आपको ये यहाँ से दिखाना है कि ये चारों का चारों, ये हुआ ये हुआ ये हुआ और एक ये हुआ, ये चारों जो है कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है, यानी कि इसको सॉल्व करें इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, सभी का जो आंसर है वो एक ही आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है। हाँ फिर ये इस तरह से आपको प्रूफ करना है कि कोई तीन जो है वो चौथा के बराबर है, ठीक है, कोई तीन किसी एक के बराबर है। तो चलिए देखिए, जैसे लेट एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रहा, एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, ठीक है, तो अगर वो सेट ए में है तो इसके अनुसार अगर ए सबसेट है बी का तो यानी कि एक्स बी में भी होगा, ठीक है, और अगर एक्स ए में है तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि बी में तो वो होगा ही, बेसिकली सबसेट है, या फिर
ये भी कह सकते हैं कि वो ए यूनियन बी में होगा। अगर एक्स ए में है तो वो ए यूनियन बी में तो वो होगा ही होगा, और अगर वो यूनियन में होगा तो फिर ए यूनियन बी जो है वो इक्वल टू बी दिया गया है हमको, ठीक है। ये कंडीशन हमको दिया गया है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी, तो यानी कि यूनियन के जगह में हम लोग बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो यहाँ हम लोग बी लिख दिए। तो यानी कि सेट एक्स अगर ए में है तो एक्स जो है वो बी में भी है, यानी कि ए सबसेट हो गया है सेट बी का। तो एक्स जो है यहाँ से मेरा क्या, ए ए सेट ए जो है वो मेरा क्या यहाँ से हो गया सबसेट। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये वाला कंडीशन जो है वो इसके इक्वल टू है, थर्ड नंबर जो है वो इसके इक्वल टू है। ये दो इक्वल टू हो गया, अभी इसको मैं ज़रा सा इधर लिख दूँ, चलिए चलिए हम लोग थर्ड को तो देख लिए, हम लोग अब फोर्थ को देखें, मतलब कि फोर्थ को हम लोग इक्विवेलेंट दिखाएंगे। ये तो इसका इक्विवेलेंट है, थर्ड फर्स्ट का है, अब हम लोग फोर्थ को देखें। देखिए जैसे कि एक्स जो है मान लीजिए कि वो सेट ए में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, क्योंकि ये दोनों सेट इक्वल है। अगर वो ए में होगा तो वो इसमें भी होगा, और इसका ये मतलब हुआ कि तब एक्स जो है वो ए में तो होगा ही होगा, और वही एक्स मेरा बी में भी होगा, यानी कि एक्स जो है वो मेरा बी में फाइनली होगा। और एक्स अगर बी में होगा तो यानी कि ए जो है वो मेरा सबसेट होगा बी का, यानी कि फोर्थ वाला भी जो है वो इक्विवेलेंट फर्स्ट वाले का है, थर्ड भी इसके इक्वल टू था और फोर्थ भी इसके इक्वल टू था। चलिए इसको देखिए, चलिए इसको देख लिए। चलिए अब हम लोग सेकेंड वाले का यूज करके इसके इक्वल टू दिखा देंगे, ठीक है। सेकेंड वाले में देखिए क्या करेंगे हम लोग, सेट ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन इसका यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है और सेट ए है, तो दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो वो तो सेट ए के हमेशा इक्वल टू ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल जो है वो सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल की जगह में हम लोग बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि बी और बी का कम्प्लीमेंट को अगर हम लोग यूनियन करेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल टू आएगा। कोई भी एक सेट का यूनिवर्सल को अगर हम लोग यूनियन कोई एक सेट का कम्प्लीमेंट को अगर हम लोग यूनियन करते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल टू आता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड करके इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ या ना। इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी एक ले लेंगे और फिर यूनियन और फिर ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी तो ये रह जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी। ये चीज़ याद है या नहीं, मैं इसको ज़रा से लिख दूँ, सॉरी हाँ। देखिए ये इज इक्वल टू ए माइनस बी होगा, वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट वो होता है ए माइनस बी, ठीक है। इसको हम प्रूफ भी वहाँ पर किए हुए थे, ये मेरा कम्प्लीमेंट का लेक्चर में है, हाँ कम्प्लीमेंट के लेक्चर में है ये, ठीक है ना। वहाँ हम लोग इसको प्रूफ भी किए हुए हैं कि ये इज इक्वल्स टू वो होता है, तो यहाँ पर ए माइनस बी हो गया, ठीक। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी होगा इधर यूनियन, अब ए माइनस बी वो क्या होगा इक्वल टू फाइ, तो यानी कि इसके जगह में हम लोग फाइ लिख सकते हैं। क्यों लिखें, क्योंकि ए माइनस बी वो इक्वल टू फाइ है, ये कंडीशन हमको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों के बीच में यूनियन अगर करेंगे तो खाली सेट और इस सेट में यूनियन मेरा क्या आएगा, यही तो मेरा आ जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि सेट ए जो है वो इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी के, सेट ए इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी के। तो हम लोग अभी अभी इस चीज़ को प्रूफ किए कि इस तरह से अगर रहता है तो फिर ये सबसेट होता है। तो अगर हम लोग पहले ये दिखा दिए कि ये चीज़ जो है ना
इसका इक्विवेलेंट है। और अब इस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व करके ये लाए हुए हैं, तो ये वाला तो खुद इसका इक्विवेलेंट है, तो ये वाला भी उसका इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। और अगर नहीं तो यहाँ करने के बाद, ये काम करने के बाद आप लोग इसको फिर से लिख लीजिए, ठीक है। इसको क्या करिए आप लोग, फिर से लिख लीजिए इसके नीचे, क्योंकि फिर से वही नंबर फिर से बनेगा यहाँ पर कि x अगर a में है तो x इसमें है, हैंस x इसमें और इसमें है, x b में है यानी कि a जो है वो सबसेट हो गया b का, यानी कि इसका भी हम लोग यूज करके यही ला दिए, इसका भी यूज करके यही ला दिए, और इसका भी यूज करके हम लोग यही ला दिए, यानी कि चारों का सारों सेट जो है वो आपस में जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। तो ये रहा 4 नंबर, चलिए इसको नोट कर लिए। देखिए 5 नंबर, ये कह यहाँ पर कहा गया है कि आपको सो दैट करना है, आपको ये दिया गया है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तब आपको सो दैट करना है कि सी माइनस बी भी सबसेट होगा, सी माइनस बी भी सबसेट होगा सी माइनस ए का, सी माइनस ए का, ऐसा आपको सो दैट करना है, ठीक है। ये पोर्शन आपको सो दैट करना है, ये चीज़ आपको दिया गया है। अब देखिए, सपोज कर लीजिए कि x कोई एलिमेंट है और वो कहाँ है, सेट A में है, सॉरी हम सबसेट दिखाने के लिए क्या करेंगे, एलिमेंट इसमें रखेंगे और इक्वल टू ये दिखा देंगे, एलिमेंट इसमें दिखाएंगे और फिर दिखा देंगे कि ये एलिमेंट मेरा इसमें भी है, तो वो हो जाएगा, यानी कि x जो है वो एलिमेंट है मेरा c माइनस ए में। तो अगर वो c माइनस ए में है तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि वो c में तो होगा लेकिन एंड वो एलिमेंट मेरा कहाँ नहीं होगा, सेट A में, वो C में तो होगा लेकिन वो A में नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ सेट का डेफिनेशन ही यही था, डिफरेंस ऑफ सेट का डेफिनेशन ही यही था कि अगर वो इस सेट में अगर है तो यानी कि वो C में तो होगा लेकिन वो A में नहीं होगा, तो वो C में तो होगा लेकिन वो A में नहीं होगा, ठीक। इसके बाद X जो है वो मेरा C में तो होगा, ठीक है। इसके बाद एंड अगर x मेरा c में सॉरी यहां पर इसमें ना हम एलिमेंट मानने वाले हैं c माइनस बी में ना, तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा b में, और हाँ एंड हाँ इधर फिर बाकी सही है। और अगर वो x मेरा b में नहीं है, तो अगर वो x मेरा b में नहीं है तो वो फिर x मेरा a में भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि a जो है वो सबसेट है b का, a सबसेट है b का यानी कि b बड़ा सेट है, a उसका बच्चा है, और जब वो सेट b में ही नहीं है वो गुण, तो वो a में होगा क्या, नहीं होगा, तो यानी कि वो b में नहीं है तो यानी कि वो a में भी नहीं होगा, कन्फर्म। अब देखिए यहाँ वो अगर वो a में नहीं होगा तो देखिए x c में तो है लेकिन वो a में नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x तब कहाँ होगा, c माइनस a में, x कहाँ होगा मेरा, c माइनस a में। हम c माइनस बी को मान करके चले तो हम दिखा दिए c माइनस ए, यानी कि c माइनस बी जो है ये मेरा सबसेट हो गया c माइनस ए का, ठीक है, प्रूव्ड। चलिए चलिए ये नोट हो गया। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको पी ए इक्वल टू पी बी ये दे दिया गया है, तब आपको सो दैट करना है कि ए सेट जो है वो इक्वल टू होगा बी सेट का, ये आपको दिया गया है और ये आपको सो दैट करना है। तो ए इक्वल टू बी यानी कि जब कभी भी दो सेट को इक्वल टू करना हो तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले कि सेट ए को दिखा देते हैं कि ये बी का सबसेट है, पहला। दूसरा काम कि बी ए का सबसेट है, ये इसका है सबसेट, ये इसका है सबसेट, और दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा, यानी कि दोनों ही सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसेट दिखाना पड़ेगा। चलिए सबसेट दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई एलिमेंट x है और वो मेरा सेट A में है, ठीक है। ये भी देखिए ध्यान से, ये मैं छोटी x लिख रहा हूँ, एलिमेंट है ये, और वो एलिमेंट मेरा सेट A का एलिमेंट है, तो x जो है वो एलिमेंट है मेरा सेट A का,
देन देयर एग्जिस्ट सबसेट ऑफ ए, देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए, तब जो है अगर एक्स उसका एलिमेंट होगा तो कैपिटल एक्स जो है वो ए का सबसेट होगा, यानी कि एक्स जो है वो सबसेट होगा सेट ए का। नहीं समझ पाए, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ हम एक सेट ले लेते हैं वन और टू का। तो यहाँ पर क्या है भाई कि वन जो है वो सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, तो ये जो होगा वो सबसेट होगा सेट ए का। इसका अगर सबसेट अगर लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, फाइव लिखेंगे, वन लिखेंगे, टू लिखेंगे और वन और टू लिखेंगे। तो वन तो इसका सबसेट है ना, तो वन इसका एलिमेंट था, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर में अगर वन है तो वो उसका सबसेट है। तो इसी को मैं छोटी एक्स और इसको मैं बड़ी एक्स कैपिटल एक्स दैट इज से दिखा रहा हूँ। तो बड़ी एक्स जो है वो सबसेट होगा सेट ए का, और अगर एक्स सबसेट होगा सेट ए का तो वही एक्स मेरा एलिमेंट होगा पावर सेट का, वही एक्स मेरा एलिमेंट होगा पावर सेट का, यानी कि वही एलिमेंट वही हाँ वही सबसेट मेरा एलिमेंट होगा पावर सेट बी का। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि पी ए जो है वो इक्वल टू पी बी है, और जब ये दोनों इक्वल है तो पी ए के जगह में हम पी बी रख सकते हैं। और अगर एक्स अगर पी बी में होगा तो एक्स सबसेट होगा बी का, ठीक है, और अगर एक्स सबसेट होगा बी का तो फिर एक्स जो है वो एलिमेंट भी होगा सेट बी का, तब एक्स मेरा एलिमेंट भी होगा सेट बी का। अब एक्स हम सेट ए में माने थे और मैंने दिखा दिया एक्स कहाँ सेट बी में, मैंने इसको दिखा दिया सेट बी में, तो जिसमें माने थे तो मैंने सेट ए में माना था और बी में दिखा दिया, तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट हो गया बी का, ठीक है। और सिमिलरली बी भी सबसेट हो जाएगा ए का, सिमिलरली इसी तरह से बी भी जो है मेरा सबसेट हो जाएगा ए का, क्योंकि इस बार हम लोग एलिमेंट मानेंगे बी में, फिर जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ केवल बी कर देना है, यहाँ बी में मानेंगे तो एक्स मेरा सबसेट होगा बी का, फिर मेरा एक्स जो है वो पी ए में पी बी में होगा तो फिर वो मेरा पी ए में होगा, फिर वो मेरा ए में होगा सबसेट तो फिर वो मेरा ए में होगा, यानी कि बी जो है वो सबसेट हो जाएगा ए का। तो यहाँ से हमको पता चला फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोगों को ये पता चला कि ए जो है वो इक्वल टू बी है। चलिए हो गया। सेवन नंबर में आपको ये करना है, यहां कह रहा है कि पी ए यूनियन पी बी ये इक्वल टू होता है पी ए यूनियन बी के, पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू होता है पी ए यूनियन बी का, इसको जस्टिफाई करना है। तो पिछले क्लास में मैंने ये भी बताया था कि पी मैंने पिछले क्लास में एक एग्जांपल था आपके मिसलिनियस एग्जांपल में, वहाँ पर मैंने ये आपको दिखाया था कि पी ए जो है वो इंटरसेक्शन पी बी ये इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी के होता है, ठीक है, ये दोनों जो है ये इक्वल टू होता है। आपका एग्जांपल नंबर वो है 31, ठीक है, वो एग्जांपल नंबर आपका है 31। मैंने पिछले क्लास में ये चीज़ को डिस्कस भी किया था कि ये इक्वल टू इसके होता है लेकिन ये इक्वल टू इसके नहीं होता है, मैंने वहाँ भी एग्जांपल दे करके रखा था, और संयोग से देखिए वो क्वेश्चन यहाँ पर हमको दे दिया गया है एक्सरसाइज में। तो बस कुछ नहीं, वही काम करेंगे हम लोग, यानी कि एग्जांपल के थ्रू ही हम लोग प्रूफ करने वाले हैं यहाँ भी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेट ए में हम लोग कोई एलिमेंट ले लेंगे, सपोज वन और टू ले लिए, फिर सेट बी में कोई एलिमेंट ले लिए, सपोज थ्री और फोर ले लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना कि पी ए निकालेंगे सबसे पहले, तो पी ए जो निकालेंगे वो क्या होगा सेट ए का मेरा सबसेट होगा,
ठीक है। तो इसी का अगर मैं सबसेट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये फाइव होगा, फिर ये वन होगा, फिर ये टू होगा, और फिर ये वन कॉमा टू होगा। मैं सेट बी का सबसेट लिखूँ तो फाइव होगा, फिर थ्री होगा, फिर फोर होगा, फिर थ्री और फोर होगा, ठीक है। और अगर मैं इसी दोनों का पावर सेट अगर मैं लिख दूं तो पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू, ऐसा हो जाएगा ना, ये ऐसा हो जाएगा, एक कलेक्शन ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, ऐसा हो जाएगा। तो अगर यहां से अब मैं पी ए यूनियन पी बी निकालता हूं, अब मैं यहां पर क्या निकालने जा रहा हूं, पी ए यूनियन पी बी, तो ये क्या आएगा मेरा, तो पी ए में जितना एलिमेंट है और पी बी में भी जितना एलिमेंट है, इनके फाइव है, वन भी है, टू भी है, वन कॉमा टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, और थ्री कॉमा फोर भी है, ये मेरा आ गया। अब मैं ए यूनियन बी निकालने जा रहा हूँ और फिर उसका पावर सेट, देखिए अब यहाँ से आप लोग ए यूनियन बी को निकालिए, ये क्या निकलेगा, ए ये है, बी ये है, यूनियन करेंगे इसका तो वन टू थ्री और फोर आएगा, ठीक है। इसके बाद इसी का पावर सेट, यानी कि इसका पहले आपको हमको सबसेट निकालना पड़ेगा ना, तो चलिए सबसेट निकालते हैं इसका। सबसे पहले फाइव होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, सिंगल सिंगल एलिमेंट तो हो गया, अब वन कॉमा टू होगा, वन कॉमा थ्री होगा, वन कॉमा फोर होगा, ये तो हो गया वन के साथ। अब टू के साथ चलेंगे तो टू के साथ थ्री होगा, फिर टू के साथ फोर होगा, टू के साथ थ्री भी हो गया, टू के साथ फोर भी हो गया, अब फिर थ्री चलेंगे तो थ्री के साथ में फोर होगा, ठीक है। अब तीन वाला अगर हम लोग देखेंगे तो वन टू थ्री होगा, वन टू थ्री होगा सबसे पहले, इसके बाद वन टू फोर होगा, इसके बाद वन टू फोर होगा, वन टू थ्री हुआ, फिर वन टू फोर हुआ, है ना, फिर इस बार वन थ्री फोर होगा, वन थ्री फोर होगा एक सबसेट, इसके बाद फिर एक होगा मेरा टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, और एक लास्ट मेरा हो जाएगा वन टू थ्री और फोर। इसका तरीका था कि कितना सबसेट होगा किसी सेट का, उसका फॉर्मूला था टू टू द पावर एन, यानी कि टू टू द पावर फोर एलिमेंट है यहाँ पर, तो वो एन के जगह में फोर हो जाएगा, यानी कि सिक्सटीन। गिन के देखिए कि सिक्सटीन सबसेट निकला या नहीं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन, ठीक है। तो इसी को अगर मैं करली ब्रैकेट में अगर मैं फिर से बंद कर दूं तो ये मेरा बन जाएगा पावर सेट, यानी कि ये मेरा बन गया पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि पी ए यूनियन पी बी क्या निकला था और पी ए यूनियन बी क्या निकला, क्या ये दोनों इक्वल है, यह मेरा फाय है, चलिए फाय तो हो गया, ये दोनों मिल गया, वन भी चलिए मिल गया, टू भी मिल गया, वन टू भी मिल गया, थ्री थ्री कहीं मिला, हाँ थ्री भी मिल गया, फोर भी मिल गया, थ्री फोर, थ्री फोर भी मिल गया, लेकिन और बाकी वन थ्री है, वन फोर है, टू थ्री है, टू फोर है, तो ये बाकी एलिमेंट क्या मिले, यानी कि इसका ये इक्वल टू है, नहीं है। दो सेट इक्वल टू कब होते हैं, जब उसका सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, इक्वल। तो ये सेट में इतना एलिमेंट है, ये सेट में इतना एलिमेंट है, तो क्या इक्वल टू हुआ, नहीं हुआ, यानी कि इक्वल टू नहीं होगा, यानी कि ये क्या हो गया मेरा, फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया मेरा,
फॉल्स हो गया। चलिए नॉट इट, चलिए इसको नोट कर लिए, इरेज करूं इसको, नहीं किए तो पॉज करके करिए। देखिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सबसे पहला दिया गया है ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, यूनियन ए माइनस बी। देखिए इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या ना कि ये कहा गया है कि ये वाला जो है पूरा ये इसके इक्वल टू है, ठीक है। तो हम इसको RHS वाले को हम सॉल्व करके LHS वाला ला देंगे तो फिर वो हो जाएगा प्रूफ। तो इसमें मेरा है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। अब देखिए इसको तो मैं वही थोड़ा देर के लिए लिख रहा हूँ, यूनियन A माइनस B को हमको पता है कि A माइनस B, बेसिकली आप लोगों को भी पता होगा कि A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट के इक्वल टू होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में बताया गया और ये चीज़ कम्प्लीमेंट वाले लेक्चर में है मेरा, यहाँ वहाँ पर मैंने प्रूफ भी कराया हुआ है। तो A माइनस B के जगह में हम A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट मैंने लिख दिया। यहाँ से देखिए A इंटरसेक्शन और A इंटरसेक्शन मिल गया तो यहाँ पर क्या बच गया, B यूनियन B कम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन। अब B यूनियन B कम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो B यूनियन B कम्प्लीमेंट किसी एक सेट का और उसके कम्प्लीमेंट सेट का यूनियन हमेशा यूनिवर्सल होता है, यानी कि ये मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट। इसके बाद A और यूनिवर्सल सेट में, इस दोनों में A सेट में और इसके यूनिवर्सल सेट में इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन है, कौन इंटरसेक्शन आएगा इसमें। तो अगर यूनिवर्सल के साथ में किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो वो उसी के इक्वल टू आ जाता है, यानी कि सेट A के ही इक्वल टू आएगा। तो मैंने RHS को सॉल्व किया और ये मेरा LHS आ गया, तो यानी कि ये क्या हो गया, मेरा लाइन स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। चलिए इसको नोट करिए, चलिए वन नंबर हो गया। अब सेकेंड भी जो है कुछ इसी तरह से दिया गया है और उसको भी हमको प्रूफ करना है। इसमें कहा गया है कि A यूनियन है B माइनस A, A यूनियन B माइनस A ये इक्वल टू है A यूनियन B का, A यूनियन B का इक्वल टू है, ठीक है। इसमें हम लोग LHS को पकड़ेंगे, इसको पकड़ करके चलिए, ठीक हम ये दिखा देंगे, इसको पकड़ करके चलेंगे हम उसको दिखा देंगे। देखिए A यूनियन B माइनस A कैसे करेंगे कि B माइनस A के जगह में हम B इंटरसेक्शन A कम्प्लीमेंट तो हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं कि B माइनस A इक्वल टू B इंटरसेक्शन A कम्प्लीमेंट होता है, अभी भी चर्चा हुआ, ठीक है, कि दो सेट का डिफरेंस जो है वो इस तरह से रिलेट है तो उसको रख सकते हैं। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं थोड़ा सा, तो A यूनियन B हो जाएगा एक तरफ, इंटरसेक्शन है, फिर A यूनियन A कम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर A यूनियन B तो इधर हो ही जाएगा, फिर इंटरसेक्शन है। और अभी भी कुछ देर पहले हुआ ये बात डिस्कस कि दोनों कोई भी एक सेट का और उसके कम्प्लीमेंट का यूनियन हमेशा यूनिवर्सल होता है। अब अगर ये यूनिवर्सल सेट बन गया तो दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ A और यूनियन B, यही वाला सेट, और ये यही मेरा इक्वल टू RHS है, यही चीज़ मेरा इक्वल टू RHS है। तो यहाँ से मेरा ये चीज़ भी प्रूफ हो गया, ठीक है,
यहाँ से मेरा ये RHS इक्वल टू हो गया, तो मेरा यही दिखाना था, मैंने ये दिखा दिया इस तरह से, ठीक है। तो चलिए, मैंने इस क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर दिया है, और बाकी जो 16 नंबर तक इसमें क्वेश्चन है, तो 9 to 16 जो है वो मैं अगले क्लास में कर दूंगा। तो चलिए आपसे विदा लेता हूँ, और यहाँ तक जो है इसको फिर से आप एक बार प्रैक्टिस करिए घर में, ठीक है, तब जो है इस पर आपका पकड़ बनेगी। चलिए तब तक यहीं पर हम लोग रखते हैं, और 9 to 16 हम लोग अगले क्लास में करेंगे बेसिकली। और ये जो क्वेश्चन है ना 13 to 16 जो है ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनियन और इंटरसेक्शन है ऑफ 2 set और 3 set, तो इसको प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है ना, बहुत हार्ड नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। So I can be close to you. It's really simple if you look at it that way.